हेलो फ्रेंड्स, आज की मेरी रेसिपी है पालक पनीर। इसे मैं दो तरीके से आपको बनाकर दिखाऊंगी। दोनों ही तरीके बहुत ही टेस्टी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इसके लिए मैंने जो भी चीज़ें ली हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है प्याज, बहुत ही बारीक कटा हुआ, पनीर, कसूरी मेथी, बेसन, अदरक, लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कटी हुई हरी धनिया, लाल मिर्च, रेड चिल्ली पाउडर और जूलियंस में कटे हुए अदरक, पालक, तो सबसे पहले हमें गर्म पानी में पालक को डालना है। इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए हमें उबाल लेना है। पालक को उबालने के समय हमें ध्यान देना है कि इसे ढक कर के ना उबाले। इसे 2 मिनट तक खुला ही ऐसे बॉईल करना है। आप मेरी पूरी रेसिपी कंप्लीट होने के बाद देखेंगे कि मेरे पालक का रंग बिल्कुल हरा है। वो इसी वजह से है कि मैंने इसे ढक कर नहीं उबाला था। तो अब मैंने पालक को उबाल लिया है और इसे मैं आइस वाले पानी में डालूँगी। इससे हमारे पालक का रंग बिल्कुल हरा रहेगा। पालक पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो इसे हम मिक्सर जार में डालकर इसका एक दरदरा सा पेस्ट बनाएंगे। इसे पूरी तरह से स्मूथ नहीं करेंगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में तेल गर्म किया मैंने और उसमें बहुत ही बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन डालेंगे, बहुत ही बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके हमें फ्राई करना है। यहाँ पर मैंने जो भी कटी हुई चीज़ें ली है उसे बहुत ही बारीक काटा है। अब यहाँ पर मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ, बहुत ही बारीक कटा हुआ। तीखेपन के लिए मैंने हरी मिर्च का यूज़ किया है। यहाँ पर मैं तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर को ऐड नहीं कर रही हूँ। उसे ऐड करने से हमारे पालक का रंग काला हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने से बहुत अच्छा बाइंडिंग आएगा, पानी पानी सा नहीं दिखेगा हमारा पालक। इसे डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है और चलाते हुए ही इसे भूनना है। बेसन डालने के बाद इसे कंटिन्यू चलाते हुए ही हमें प्याज को गोल्डन करना है। अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे बेसन जल जाएंगे। तो प्याज गोल्डन होने के बाद इसमें तुरंत ही हमें ऐड कर देना है बहुत ही बारीक कटे हुए टमाटर। इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है। साथ ही साथ इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। नमक को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद स्लो फ्लेम पर इसे ढककर 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है। अब 2 मिनट बाद इसे खोल करके चेक करेंगे तो इसमें अब हमारे पाउडर मसाले ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया 1 चम्मच धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढककर इसे 1 मिनट के लिए कुक कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी पालक का पेस्ट। पालक के पेस्ट को पूरे मसाले में बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करें। पालक का पेस्ट बनाते समय मैंने इसमें ज़रा भी पानी नहीं डाला था और मुझे यहाँ पर पालक थोड़ी सी ड्राई लग रही है,
इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी सी पानी ऐड करूँगी। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, तो इसमें मैं ऐड करूँगी कटा हुआ हरा धनिया, गरम मसाला, कसूरी मेथी और इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे ढक करके 2 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कुक कर लेना है। अब मैं सबसे लास्ट में यहाँ पर ऐड करूँगी पनीर। पनीर को हमें ज़्यादा पकाना नहीं होता है, नहीं तो ये रबरी हो जाते हैं। इसे पालक में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और ढक करके 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तो देखिए यहाँ पर हमारी औसम सी पालक पनीर बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे एक बहुत ही टेस्टी सा तड़का लगाऊंगी जो इसके टेस्ट को दोगुना कर देंगे। उसके लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच जीरा, जूलियंस में कटे हुए अदरक और 2 सूखी लाल मिर्च। मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली जो कि तड़के में बहुत अच्छा रोगन देंगे। इसे मैं तुरंत ही ट्रांसफ़र कर दूंगी पालक पनीर के ऊपर। तो देखा आपने कितने डिलीशियस से हमारी पालक पनीर तड़का वाली रेडी है। इसे आप तड़का लगाकर खाएं या बिना तड़के के खाएं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।